और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आ रही है ट्विटर से जुड़ी हुई। ये बेहद अहम जानकारी, आखिरकार ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है विनय प्रकाश को, और भारत का एक एड्रेस भी दिया गया है जो इससे पहले मौजूद नहीं था। और भारत सरकार की ओर से बार बार उन्हें यह कहा गया था कि भारतीय नियमों का पालन आपको करना ही होगा भारत में इस तरह से संचालन के लिए, और अब आखिरकार एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले अधिकारी ने इस्तीफा दिया और अब एक ऐसा अधिकारी और एक एड्रेस भी दिया गया है जो अब तक के मौजूद नहीं था, मामला कोर्ट में भी। और ट्विटर की ओर से कुछ और वक्त मांगा गया था, भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर भारत में ट्विटर ऑपरेट करवाना है तो फिर भारत के नियमों का पालन करना ही होगा। इससे पहले भारत सरकार की ओर से कई बार उन्हें इस बात की हिदायत भी दी गई थी, और आखिरकार अभी विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी ट्विटर की ओर से नियुक्त किया गया है और दफ्तर का भी एक एड्रेस दिया गया है जो इससे पहले मौजूद नहीं था। ट्विटर की ओर से बताया गया था कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी भारत में नहीं बल्कि अमेरिका से कार्य संचालन करते हैं, और ऐसे में अब भारतीय नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट में यह बात भारत सरकार की ओर से कही गई थी कि अगर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह आप नियम माने तभी आप अपना प्लेटफॉर्म ऑपरेट करवा सकते हैं, वरना कार्रवाई भी हो सकती है। और आखिरकार ट्विटर ने अब एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है विनय प्रकाश को। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या और नया कदम अब ट्विटर की ओर से? देखिए, ये प्रशांत काफी लंबे समय से एकदम बिल्कुल दोनों के पक्षों के बीच में ट्विटर लगातार इस चीज से बच रहा था कि वो अपने यहाँ पर रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि नियम ये कहता था, आईटी का नियम ये कहता था कि आपको स्थानीय व्यक्ति को बनाना पड़ेगा और किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना होगा जो आपके यहाँ नौकरी करता हो, यानी आपका कोई हो। तो अब जो हमें जानकारी मिल रही है वो कि ट्विटर ने विनय प्रकाश को अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया है, साथ ही साथ उन्होंने कुछ अकाउंट के खिलाफ अलग अलग सेक्शंस में क्या कार्रवाई की है उसकी एक मंथली रिपोर्ट भी दी है। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि ट्विटर ने बाकायदा अपना एक बेंगलोर का पता भी दिया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इस पते पर संपर्क किया जा सकता है। तो इस तरह से भारत सरकार का जो लगातार दबाव ट्विटर के ऊपर, उसको देखते हुए ये नियुक्ति काफी अहम है, क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। और जो नए आईटी नियम है उसके तहत ये कहा गया था कि आपको इन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। नए आईटी मिनिस्टर वैष्णव ने भी ये कहा था जिस दिन उन्होंने शपथ ली अपने पद का कार्यभार संभाला, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत देश में नियमों का पालन सभी नियमों को करना होगा। विक्रांत, लेकिन कुछ खामियां भारत सरकार की ओर से पाई गई थी जो वो पूरी नहीं कर रहे थे। कोर्ट में कुछ वक्त भी ट्विटर की ओर से मांगा गया था, लेकिन क्या अब वो तमाम खामियां पूरी कर ली गई है जो जरूरत बताई गई थी भारत सरकार की ओर से?